चंद इलनी बितुरगेश में, जहाँ पे आज रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज चलने जा रही है। इसका नाम है तत्व यौगिक। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी के लिए काफी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम आपका है, जहां पर आप निशुल्क एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मेरे द्वारा प्रतिदिन 9:30 बजे शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की एक महत्वपूर्ण सीरीज है आपके सामने आती है प्रतिदिन, जहां पर एक ही उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। तो चलिए बिना देरी के आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत से नहीं। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कमेंट करके बताइएगा कि जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की ये काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग सभी लोग फटाफट कमेंट करिए भैया, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सभी साथियों ने फटाफट कमेंट करके जवाब दिया है। यह है सोडियम बाई कार्बोनेट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं? खाने वाला सोडा के नाम से यह जाना जाता है। और इसका सूत्र अगर किसी को पता हो जरा बताइएगा क्या होगा, NaHCO3 इसका सूत्र है। इसका प्रयोग पावरोटी उद्योग में प्रायः किया जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है, इसे हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी को ये सरकारी शिक्षक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव प्रतिदिन 9:30 बजे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़ रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस NCERT पैटर्न पर है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है तो उम्मीद करता हूं जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यहां पर दिए गए प्रश्न का कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करके फटाफट बताइएगा कि जो जिप्सम है उसका रासायनिक नाम क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होगा? लैप सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प होगा, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट इसका सही जवाब होगा। कैसे? देखिए जिप्सम का जो रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 2H2O, इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल सोख लेता है तो जिप्सम बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है तब आपका जिप्सम बनता है जो कड़ा होता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान की सीरीज प्रतिदिन 9:30 बजे अभी चल रही है। आगे अन्य विषयों की क्लास पीछे विविध चल चुकी है और भूगोल हम लोगों ने पढ़ लिया है, संविधान पढ़ लिया है, भौतिक विज्ञान पढ़ लिया है। आज हमारे सामने रसायन विज्ञान की सीरीज आपके बीच लाइव चल रही है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को पहला काम शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपको मैंने बताया ये NCERT की सीरीज है और NCERT के पैटर्न पर NCERT का सार आपके क्लास 6 से लेकर 10 तक है। तो जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कि सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा में आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रायः यहां से कभी भी गलती नहीं करेंगे और अपना बेस्ट देते रहेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर Na2ZnO2 होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, बी प्रश्न का सही जवाब होगा।
हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से जरा कमेंट करके बताएं सभी साथी, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देश निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ये लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं, अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो ये लाइव जैसा आपको महसूस होगा कि हम कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे सभी के बारे में बता देता हूँ। NaOH को हम, इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। लेकिन NaCl को हम साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। आपके चार प्रश्न आज तैयार होने वाले हैं। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी ऊपर हमने बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आते हैं। तो जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आपके तीन प्रश्न तैयार हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। क्या सभी को समझ में आया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। बताइए इतने लोग आप लाइव देख रहे हैं, अभी सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है। यार अगर आप मेहनत करते तो आपको समझ में आता कि कितनी मेहनत करने के बाद NCERT से इतने प्रश्न निकलते हैं। प्योर NCERT आपको पढ़ाई जा रही है, जो शिक्षक भर्ती में हूबहू प्रश्न यहाँ से आना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो सीरीज आप पढ़ रहे हैं वास्तव में वहीं से है जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूरी तरह से परीक्षा वाले प्रश्न है। तो भाई शेयर कर दीजिए, लाइक करने से पैसे नहीं कटते, हर किसी गरीब का भला हो सकता है। कर भला तो हो भला, मेरा तो हो गया, अब आपकी बारी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। ये श्वेत रासायनिक यौगिक होता है, पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर ही कठोर हो जाता है और ये टूटी हड्डियों को शल्क चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा CaSO4 1/2H2O, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा सी आपका राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ यह प्रश्न हूबहू आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आ सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्न को सजो कर रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को अपने साथ मजबूती बनाकर रखिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पर यहाँ पे जमने का जो कारण उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा आपको कि प्लास्टर ऑफ, फेसबुक वाला क्लास, फेसबुक पे क्लास लगा है? चेक कर लो, चेक कर लो। यहाँ पर ध्यान देना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने का कारण यहाँ पर होगा अनहाइड्रेशन बनाने के लिए जलयोजन। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पानी सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु जो है जुड़कर जलयोजित होकर जिप्सम बनाते हैं जो कड़ा होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिक मात्रा के कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं
सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहाँ भी लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, फटाफट कमेंट करके। बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न अगर आपकी भर्ती परीक्षा में आता है तो आप लोग प्रायः गलती करते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से गलती करें। बताइए क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। जल्दी फटाफट कमेंट करिए सब लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला जो सीमेंट होता है वो क्या होता है, वो द्रुत गति से जमता है, मतलब तेज गति से जमता है। कैसे? अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट तेजी से जमता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ऐसे प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि प्राय आपको ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं आप लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए गलती मत दोहराइएगा भविष्य में कभी भी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सीमेंट का कार्य क्या है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि सीमेंट का काम क्या है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें सीमेंट का कार्य क्या होता है। देखिए अगर हम सीमेंट का कार्य देखेंगे, जो लोग लाइव देख रहे हैं या शेयर कर दिए, लाइक तो आप नहीं करेंगे मुझे पता है, शेयर तो कर सकते हैं। सीमेंट का जो कार्य होता है एडहेशन होता है। एडहेशन क्या होता है? सीमेंट जी हाँ, देखिए एडहेशन क्या होता है कि जल एवं सीमेंट अलग अलग पदार्थ हैं, इनका जुड़ना एडहेशन कहलाता है। सीमेंट में जब पानी के मिश्रण को खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे कठोर बन जाता है, इस क्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। इसमें कैल्शियम सिलिकेट तथा एलुमिनेट का जल योजन हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह शीर्ष का राइट आंसर होगा। जी हाँ एडहेशन, ठीक है प्रश्न का उत्तर सी होगा। नीला थोथा क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, नीला थोथा क्या है? यार एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों को, जो आपके साथी मित्र हैं, जो आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन लोगों तक तो पहुंचा दीजिए। बताइए सभी लोग कमेंट करके। बताइए फटाफट कमेंट करके जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए नीला थोथा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से लाइव क्लास आपके लिए निःशुल्क चलाई जाती है, प्रतिदिन 9:30 बजे शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए, अन्य बैचेज भी चलती है आपके लिए। ध्यान से देखिएगा नीला थोथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। नीला थोथा कापर सल्फेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? कापर सल्फेट को कहते हैं। आइए जानते हैं कॉपर सल्फेट जो होता है उसे हम CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा को तूतिया के नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम तूतिया के नाम से भी जानते हैं। आयरन में लोहा, पृथ्वी के मैग्नेटाइट की बात करें तो Fe3O4, हेमेटाइट एस के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये जीवित प्राणियों के हड्डियों के दांतों का मुख्य घटक तत्व भी होता है। इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, वह ए इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर किसी के मन में कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCERT वाले प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जो भी साथी मित्र हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करिए।
बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा है, क्या कह रहा है? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैसे? आइए जानते हैं, इसको जानते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब NaOH होता है, ठीक है। इसका प्रयोग साबुन बनाने में, रेशम उद्योग में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूध किसका उदाहरण है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइए दूध किसका उदाहरण है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं भी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भैया जवाब दीजिए सभी साथी। जी आप लोगों ने एकदम सही बताया, इमल्सन या पायस, एकदम सही बताया आप लोगों ने, दूध इमल्सन या पायस का एक उदाहरण होता है। इस अवस्था तथा माध्यम दोनों की द्रव होती है, इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न का जो सही विकल्प आपका है वो क्या होगा? आपका शीश का राइट आंसर होगा। निलंबन नहीं होगा, जेल का नहीं होगा, फैन नहीं होगा, ठीक है, शीश प्रश्न का सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगी? सभी लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये पूरी तरह से NCERT का निचोड़ आप पढ़ रहे हैं, NCERT सार पढ़ रहे हैं। क्लास खत्म होने की बाद जिसकी PDF हो टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जहाँ पे क्लास खत्म होने के 24 घंटे बाद इसकी PDF या अन्य क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन लर्निंग पे दुर्गेश है, जहाँ पर आपको निःशुल्क क्लास मिल रही है। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO है प्लस 3H2 को 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम अभिक्रिया कराते हैं क्या बनेगा? CH4 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि ये मीथेन बनेगा। क्या बनेगा? मीथेन या मार्स गैस बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर मीथेन बनेगा या मार्स गैस बनेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर क्या बनेगा? मीथेन बनेगा या तो मार्स गैस बनेगा। क्लियर? किसी कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना? बताइए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड्डियों दांतों का मुख्य संगठन क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम यूनिक प्रश्न है, जरा कमेंट करके बताइएगा। जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप लोगों को जितने लोग को सरकारी शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा कि हड्डियों दांतों का मुख्य संगठन क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा। गलत या सही आप लोग के जवाब जरूर आने चाहिए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पे? देखिए अगर हड्डियों दांतों के संगठन का बात करें, इसके मुख्य संगठन क्या होते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। जी हाँ एकदम रट्टा मार लीजिएगा, हड्डियों दांतों में हाइड्रोक्सीलाइपेटाइट जो कि क्रिस्टलिक कैल्शियम फास्फेट होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, CHCO3 में कार्बन कितने प्रतिशत है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए भैया आप लोग।
नहीं बताएंगे। देखिए ऐसे प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आएगा तो कैसे हल करेंगे बताइए, नहीं हल करेंगे। गजब है यार, अच्छा आप लोगों ने काफी जवाब दिया है, अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम बताते हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा ही काम बताने का है। देखिए बार वीडियो को आप लोग बार शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग लाइव देख रहे हैं यार इतनी कृपा करें। अगर आप एक अध्यापक समझ रहे हो, अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, तो अध्यापक की बात को समझना चाहिए आप लोग को भी। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर CO की बात करें तो CaCO3 में इसका जो है नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। मैंने अगर यहाँ पे देखें CaCO3 में तो C का क्या हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस O का 48, ठीक है। CaCO3 40 12 48 मतलब यहाँ पर अगर देखें तो 100 है, क्या है 100 है। तो यहाँ पर C का जो प्रतिशत होगा C का वो क्या होगा आपका 12, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 12, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर 12, इसका सही जवाब होगा, ठीक। हाँ 12%, इसका पूरा नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसमें मिलान करना। चलिए हम लोग मिलान करा देते हैं क्योंकि आपका समय बच जाएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चलिए आप लोग को जल्दी से मिलान करवा देते हैं। इससे क्या होगा आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है ठोस जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग, सूखी बर्फ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। और कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है ये संगमरमर होता है, एक चट्टान है। कार्बोनिक एसिड ये सोडा वाटर होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। बस यहाँ से एक प्रश्न आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपके परीक्षा में प्रश्न गलत होते हैं यकीनन हमें यार आपको हमेशा दिक्कत होगी। समझ रहे कि नहीं आप लोग, नहीं समझ रहे? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि कॉपर सल्फेट को किस धातु में रखा जाता है। बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो हम ही बताते हैं आपको। देख कॉपर सल्फेट की वो अगर धातु की बात करें, किस धातु में रखा जाता है, किस धातु के डब्बे में, तो पता है कॉपर सल्फेट को सिल्वर में रखा जाता है। किसमें? सिल्वर। सिल्वर को क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं, चांदी रखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा इसका राइट आंसर होगा। मैंने बहुत सारे लोग प्रश्न का उत्तर ए बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकल समूह का है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करिए कि बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से बताइएगा सभी लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक। चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो हमारा काम ही है क्या है, आपको हल करके अच्छी तरह से समझाना बुझाना, फिर इन तथ्यों को परिचय कराना। क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, कहाँ अच्छे लगते हैं, रेस में अच्छे लगते हैं।
बताइए कौन सा सबसे भारी तत्व निकल समूह का है, कमेंट करिए आप लोग, सभी लोग बताइए निकल कौन सा है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा प्लेटिनियम होगा, क्या होगा प्लेटिनियम, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्लेटिनियम जंग प्रतिरोधी है, ये क्या है, ये जंग प्रतिरोधी है, ये क्या है जंग प्रतिरोधी है। निकेल और कॉपर एस्को से मिलता है, प्लेटिनियम में पैलेडिनियम दोनों ही निकल समूह के हैं, ठीक है दोनों निकल समूह के, लेकिन प्लेटिनियम का परमाणु भार प्लेटिनियम से ज़्यादा, ये भी है लेकिन इसका परमाणु भार इससे ज़्यादा है, इसका परमाणु भार से प्लेटिनियम का ज़्यादा है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम ए इस प्रश्न का लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी है और लेवल थोड़ा सा हाई हमने किया, इसलिए हाई किया है क्योंकि आपने पिछली बार शिक्षक भर्ती की परीक्षा का पेपर देखा होगा तो लेवल काफ़ी हाई था, तो हम हमेशा हाई लेवल को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद आपके प्रश्न गलत ना हो इस बात का हमेशा हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आप सभी को हर बातों को समझना होगा और हमेशा हमारा जो टारगेट होता है वो केवल केवल आपका सिलेक्शन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और आप अपना बेहतर भी दे रहे होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो जरूर पूछ सकते हैं, बताइए कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़े बढ़े आगे बताइए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कौन सी प्रक्रिया जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे, सभी लोग देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते ये पूछा है, तो आइए थोड़ा तेजी से हम लोग हल करते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास और आपके पास भी, तो तेजी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ये सभी जल विद्युत अपघटन, देखिए योग औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस का उत्पादन जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जस्ता प्रक्रिया के रूप में गैस उत्पन्न के लिए करते हैं, लाल तत्व लोहा से भाप से गुजारना ये, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ए सभी, मैंने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो डी होगा, क्या होगा डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मतलब जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, मैंने जी वालों डी वालों क्या है राइट आंसर है, ठीक है कोई डाउट यहाँ से कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्वों के हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे जल्दी कमेंट करिए, थोड़ा तेजी से प्रश्न को हल किया जाएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे जल्दी कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी कमेंट करिए सभी लोग, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप सभी तो रेस के घोड़े हैं, आप लोग को रेस में ही अच्छा लगना चाहिए खेत में नहीं, बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा। देखिए सबसे अधिक संख्या में यौगिक तत्व की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर कार्बन का होगा, क्या होगा कार्बन का होगा, बहुत सारे लोगों ने कार्बन बताया, कार्बन की यौगिक सर्वाधिक संख्या में, क्योंकि इसमें श्रृंखलन की अद्वितीय क्षमता होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, सभी साथी फटाफट कमेंट, लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं आप लोग को तो अपना बेस्ट देना चाहिए ना, अगर आप लोग बेस्ट नहीं देंगे तो कैसे सब कुछ चीजें क्लियर होंगी, बताइए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, तो वो है कार्बन, एकदम आसान प्रश्न है, क्या रहता है कार्बन। देखिए कार्बन कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से मौजूद रहता है, कार्बनिक यौगिक मुख्य तत्व सी है, मतलब कार्बन है, समझ में आ रहा है ना, कार्बन होता है, कार्बन सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक के अध्ययन के लिए रसायन की अलग शाखा कार्बनिक रसायन का विकास हुआ है, इसका लिए कार्बनिक रसायन का विकास हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा ए होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारी ऑक्साइड है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग लाइव देख रहे हैं। इतनी कम संख्या रसायन विज्ञान पढ़ाने पर, आप लोग कहते थे साइंस पढ़ाइए, जूनियर की साइंस शुरू करिए, साइंस प्राइमरी की साइंस शुरू करिए, और आज आप लोग इसलिए साइंस शुरू हो गई तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा समक्षारी ऑक्साइड है बताइए, कौन सा समक्षारी ऑक्साइड है? Na2O ये समक्षारी ऑक्साइड होता है, बाकी जो है ये अम्लीय ऑक्साइड है। ये सब क्या है? ये सभी अम्लीय ऑक्साइड है, ये सब अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अच्छा इतना हाई लेवल है, चलिए अब थोड़ा सा लो लेवल का पढ़ाएंगे। असल क्या है कि केमिस्ट्री से हाई लेवल के प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए हम ही सोचते हैं कि आपको थोड़ी सी हाई लेवल के लिए करा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था अगर आपको इतनी दिक्कत होगी तो मैं इतना हाई लेवल नहीं कराता। चलिए खैर आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जरा सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं यार, आप सबको तो रेस में ही अच्छा लगना चाहिए, खेत में नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, अगर ये पूछ दिया जाए, इस प्रश्न का उत्तर होगा जस्ते की। क्या होगा? जस्ते की। कैसे? देखिए गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, लोहा सुरक्षित रहता है, वायुमंडल में गैस तथा नमी की क्रिया से पहले जिंक से होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आपका सी राइट आंसर होगा। तो जितने साथियों ने, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है, उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है, माने सी वालों का राइट आंसर है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट से रिलेटेड अगर आपको बार बार सवाल कोई पूछना है तो ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, हो सकता है ये नंबर जो लोग लाइव देख रहे होंगे कभी काम आ जाए। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क चलता है, सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलती है, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ेंगे, फेसबुक पेज ई लर्निंग पे दुर्गेश, इंस्टा ट्विटर ई लर्निंग पे दुर्गेश है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका होगा जस्तीकरण। क्या होगा? जस्तीकरण। लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें लोहे के लेप पर जस्तेदार लोहा इसे कहते हैं, माने जंग से बचाने के लिए लौह इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कलई करने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो शीर्ष का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके एनसीईआरटी में है और आपके भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल करने में कतई भी गलती ना करें। अगर ऐसा प्रश्न हल करने में अगर आप गलती करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोग को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप सब। देखिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, नहीं बताएंगे? चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो हम, देखिए मेरा काम है बताना आपको, और हम बताएंगे क्योंकि हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है और उसके सिलेक्शन तक लेकर चलना है। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है? ये प्रश्न आ चुका है आपके परीक्षा में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आयोडीन गलत है, यहाँ पर क्लोरीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? क्लोरीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? क्लोरीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए देखते हैं कैसे, आराम से इसको पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, समुद्री जल में विभिन्न लवण पाए जाते हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड मिलता है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मिलता है एन ए
सीएल सबसे ज्यादा मिलता है। ये सामान्य लवण या खाने के नमक की होती है। NaCl के एक अणु Na की मात्रा में 23 को Cl की मात्रा 35.5 होती है। अतः यह समुद्र में जल में क्लोरीन ज्यादा पाया जाता है, मतलब क्लोरीन लगभग आयोडीन से ज्यादा पाई जाती है, आयोडीन से ज्यादा क्लोरीन पाई जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्लोरीन होगा। समुद्र जल में आयोडीन पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरीन। सबसे ज्यादा पूछा यहां पे, ध्यान दीजिएगा मैं किस तत्व की प्रचुरता, मतलब ज्यादा कौन है यहां पे, प्रचुरता पूछा। तो जो प्रचुरता शब्द है, जो प्रचुरता शब्द है आपका, वो क्या है? वो आपका क्लोरीन होगा। समझ में आया आप सभी को मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यहां से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, अभी और क्लास चलेगी भैया, अभी आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, प्रश्न मैंने कई बार कराया है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप सभी को कमेंट के माध्यम से यह कमेंट करके बताना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जो भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। D2O, जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथी, देश के निर्माताओं, इस प्रश्न का उत्तर D2O होगा। भारी जल, देखिए हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम। तो ड्यूटेरियम को ही भारी हाइड्रोजन कहते हैं, इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लिखना चाहें लिख लीजिएगा, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसे प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, ठीक है। तो जो भारी हाइड्रोजन होता है उसे हम ड्यूटेरियम D2O के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या क्लास को और आगे बढ़ाया जाए? अगर आप चाहते हैं क्लास को मैं और आगे बढ़ाऊं तो सभी लोग को इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी क्लास को और बेहतर पढ़ाऊं, यार NCERT के प्रश्न आपके लिए निकाल कर पूरे दिन मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम आपकी इतनी बेहतर क्लास का निर्माण कर पाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारी जल का अणुभार क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि भारी जल का अणुभार क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, भारी जल का अणुभार क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। देखिए अगर भारी जल का अणुभार पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका होगा 20। क्या होगा? 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। मतलब जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, देखिए इसे हम भारी जल को क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं। हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। इसे हैवी वाटर कहते हैं, इसे हम D2O कहते हैं। क्या कहते हैं? D2O कहते हैं। इसका अणुभार जो होता है वो 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। साधारण जल के अणुभार 18 से अधिक होता है। ये साधारण जल होगा, ये साधारण जल का होगा। साधारण जल का क्या होता है? 18 होता है। अतः इसे भारी जल कहते हैं और इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन में मंदक का प्रयोग के रूप में इसका किया जाता है। किसका? D2O का। इसका प्रयोग D2O का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया सभी को? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप लोग को समझ में आया। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं क्लास को बेहतर पढ़ाऊं, ऐसे प्रश्न को लेकर आऊं, कल से कहेंगे तो मैं सरल प्रश्न लेकर आऊंगा।
एक प्रश्न आया है कि मोहित गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर आप कहते हैं कि शिक्षा निःशुल्क देते हैं, फिर अपने नोट्स के ऐड पैसे से क्यों करते हो कुछ ऐसे। अच्छा, अब एक मोहित जी का सवाल है कि भैया जो इलानी भी दुर्गेश के ऑफिस के लोग हैं वो क्या अपने घर से प्रिंट करा के आपको नोट्स भेजेंगे? आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए। आप कहीं पे काम करने जाएंगे तो फ्री में करेगा, वहाँ पे जो एम्प्लॉय लगे होंगे जिनके प्रिंट का पैसा होगा वो कहाँ से निकलेगा? आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैं फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो बाकी टीचर हैं उनके बारे में तो आपको समझना चाहिए ना। मोहित जी, आप पढ़े लिखे हैं, आपको शायद इतना तो पता होना चाहिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया 10,000 पेज टाइप कर दीजिए तो करेंगे, या 10,000 पेज प्रिंट करा दीजिए, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। यहाँ पर है एक नमूना, भारी जल हैवी वाटर कहा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए हैवी वाटर किसको कहा जाता है, क्योंकि क्या कारण है इसे हम हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जब भी अब की मैंने बताया इसका जो अड़ुभार होता है ये 20 होता है। क्या होता है? अड़ुभार 20 होता है, ठीक है, अड़ुभार 20 होता है। साधारण जल की बात करें अगर हम, साधारण जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। क्या होता है? 18। इसलिए ये पेय जल से भारी होता है, इसलिए हम भारी जल की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी जल की, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग, कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट टाइप हुआ था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट टाइप होने के लिए हमने दे दिया था, उनको पैसे पे नहीं किया था, उन्होंने क्वेश्चन टाइप नहीं किया, नहीं तो आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट की सीरीज मिल गई होती। तो सोचिए, जिनके यहाँ हमेशा मैं टाइप कराता हूँ, एक दिन पैसे नहीं दिए, उन्होंने टाइप नहीं किया, और आप लोग सोचते हैं कि आपको घर प्रिंट करा के भेजें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिल रही है, आके पढ़िए, लेकिन बाकी लोग को आपको सोचना चाहिए ना। अच्छा, मोहित जी कह रहे हैं कि जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनको लोन करा के बांटेंगे। भैया लोन करा के बंटवा दीजिए, 50-60 हज़ार कॉपी जितनी चाहे बंटवा दीजिए भैया। किस तत्व का परमाणु भार सबसे छोटा? तो बहुत ही यूनिक प्रश्न है, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। किस तत्व का परमाणु भार सबसे छोटा, परमाणु सबसे छोटा होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने साथी देख रहे हैं। बहुत ही यूनिक प्रश्न है और परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो एनसीईआरटी के लिए काफी भी महत्वपूर्ण होगा आपको। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हीलियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है, अगर हीलियम की परमाणु त्रिज्या की बात करें तो शायद ये आपको काम में आ जाएगी कभी न कभी। हीलियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है किसी को पता है? 31 पिकोमीटर होती है, 31 पिकोमीटर होती है, ये सबसे छोटा परमाणु होता है, ठीक है। जबकि सीजियम सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा, ध्यान लीजिएगा, सीजियम सबसे बड़ा होता है, लिख लीजिएगा, सीजियम सबसे बड़ा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर सबसे बड़ा क्या होता है? तो सीजियम होता है, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ भैया, सीजियम सबसे बड़ा होता है। इसकी त्रिज्या होती है 200, त्रिज्या होती है 298 पीको मीटर, क्योंकि पीको मीटर, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर, ध्यान, सबसे बड़ा सीजियम होता है और सबसे छोटा हीलियम होता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोगों ने देखा है उसको लिख लीजिएगा। दो पॉइंट आपको, हीलियम का परमाणु भार परमाणु सबसे छोटा होता है, 31 पिकोमीटर का होता है, सबसे बड़ा सीजियम का होता है जिसका 298 पिकोमीटर होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी पूरा है। आपने एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी है तो आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी एनसीईआरटी के सार आपको निःशुल्क मिल रही है। तो बताइए जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग देख रहे हैं
सरकारी शिक्षक वाली जो बात है, ठीक, सभी लोग फटाफट 9:30 बजे से डेली लाइव चलती है क्लास, शिक्षक भर्ती के लिए निशुल्क लाइव क्लास। अगर सरकारी शिक्षक बनना है आके पढ़िए आप लोग। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, देखिए आप लोग को बताना चाहिए, कमेंट करके बताना चाहिए। सीसा और जस्ता को, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। यह खनिज समांतर साथ साथ पाए जाते हैं, ये खनिज ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है ना? ध्यान दीजिएगा, जुड़वा खनिज, सीसा और जस्ता, ये लगभग साथ साथ पाए जाते, तो बहुत ही यूनिक प्रश्न है। अगर लाइव देख रहे हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने स्टेटस पर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोन सा एक तत्व तो नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा एक तत्व तो नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो यह क्लास पढ़ने के बाद आपके एनसीईआरटी पूरा 6 से 12 तक का पूरा क्लियर हो जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे आप, जी हाँ सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कौन सा तत्व तो नहीं है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो भैया इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से चलती है, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आपको प्रतिदिन रात 9:30 बजे उपलब्ध कराई जाती है। अन्य भी क्लासेज हैं जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए तत्व तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, ज्यादातर लोग इसका उत्तर दे रहे हैं ऑक्सीजन तत्व है, क्लोरीन तत्व तो है, सिलिकॉन, लेकिन संगमरमर नहीं है, ये चट्टान है। ये क्या है? चट्टान है। कौन सा? कैंथ्रिक चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो चूना पत्थर के बाद कन्वर्ट होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प होगा वो डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह प्रश्न फिर ये सीरीज यूट्यूब और फेसबुक पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ये कक्षा 8 का एनसीईआरटी है। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी। जो लोग साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों तक तो पहुँचा दीजिएगा। ये क्लास 9:30 बजे से प्रारंभ होती है शिक्षक भर्ती के लिए डेली, और इसका लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी नए आ रहे हैं। देखिए पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है बताइए? CaOH2, माने जल की अस्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल में चूना CaOH2 मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है, मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जो कमेंट करके जरूर बताएं, जल की संस्तुति में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप सभी लोग को इस प्रश्न का जवाब देना है, वो भी लाइव जवाब देना है। इसका होगा पोटेशियम पर मैग्नेट, एकदम राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है। जी हाँ, इसका नाम है, ये कीटाणु नाशक होता है, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, मानव को उपयोग हेतु जल बनाने के लिए किया जाता है। अगर इसका सूत्र देखा जाए तो कितने लोग को पता है? KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे और किस नाम से जानते हैं फटाफट कमेंट करिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को और किस नाम से जानते हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। या लाल दवा किसे कहते हैं? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लाल दवा किसे कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनना है, एनसीईआरटी का निचोड़ आपको पढ़ना होगा।
जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसकी कठोरता कैसी कठोरता कहलाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसकी कठोरता की प्रकृति क्या कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसकी कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उसे अस्थाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। देखिए जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो वो कठोरता अस्थाई प्रकृति की होती है। यह कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट के कारण होती है। अस्थाई कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड के मिलने से होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर, हम आगे बढ़ रहे हैं। कैल्शियम बाई कार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ईश्वर करेगा जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया अगले शिक्षक भर्ती में उनके स्थान जरूर फिक्स होंगे। और जो अनलाइक कर रहे हैं ना उनके भगवान उनको पूरी जिंदगी भर ऐसे ही बनाए रहे, वो लोग ऐसे ही काम करते रहे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर जवाब दीजिए जो साथी इसमें लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, CO3 × 2, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। जल कठोरता कैल्शियम बाई कार्बोनेट के कारण होती है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट जल कठोरता किसके कारण होती है? बताइए जल की कठोरता किसके कारण होती है? सेम वही प्रश्न आ गया है, तो ये होगा जलीय कठोरता कैल्शियम बाई कार्बोनेट के कारण होती है। किसके कारण? कैल्शियम बाई कार्बोनेट, लिख लीजिएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट के कारण होती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ऊपर मैंने इसको बताया था, अगर आपने ऊपर मेरी क्लास को पढ़ा होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, तो क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा अगर आप NCERT की किताब साइंस नहीं पढ़ पा रहे रसायन विज्ञान 6 से 12 तक की, तो ये क्लास आप लोग अटेंड कर लेंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? अभी ऊपर मैंने बताया था जल में कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुलनशील लवण जैसे बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड आदि कारण होती है। जब कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है तो उसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। ऊपर मैंने बताया क्योंकि इस कठोरता को उबाल कर ही दूर कर सकते हैं, लेकिन सल्फेट और क्लोराइड के लवणों के कारण उत्पन्न कठोरता को उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, खारे पानी में क्या उपस्थित नहीं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और ऑनलाइन क्लास या नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चलती है, प्रतिदिन रात 9:30 बजे पूरी तरह से निःशुल्क। ठीक है, पूरी तरह से निःशुल्क क्लास चलती है। अन्य क्लास के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो घर बैठ के नोट्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, तो वो ऑफिस के नंबर पर बात करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता? तीन चीज़ें उपस्थित होती, एक नहीं होता, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं होता। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। सही विकल्प क्या होगा? बी होगा। एकदम आसान प्रश्न, एकदम हलवा प्रश्न है। अगर आप लोगों ने इसको जरा सा भी पढ़ा होगा ना तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। जी हाँ, कभी गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कैल्शियम भाई कार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। कैल्शियम भाई कार्बोनेट कठोर जल का एक मिश्रण है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से अधिक झाग देता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से वो अधिक झाग देता है, बताइए कमेंट करके क्या होगा। जितने लोग इस देश के भावी शिक्षक, इस देश के निर्माताओं, जरा कमेंट करके बताओ कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से अधिक झाग देता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। नहीं बताएंगे क्या कहलाता है, चलिए उसे मृदु जल कहते हैं। मृदु जल साबुन के साथ रगड़ने पर जल्दी से अधिक झाग देता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट आदि उपस्थित नहीं होते, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं, कक्षा 8 की एनसीईआरटी में है ये। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, इन लर्निंग विद दुर्गेश की सारी क्लास पढ़ लीजिए, ठीक है, सबको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहां से। ठीक, चलिए कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कठोर के जल संबंध में कौन सा गलत है। तीन सही है, गलत है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके कठोर जल के संबंध में कौन गलत है। देखिए यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, झाग नहीं बनता सही है, साबुन अधिक स्थिरता सही है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होती है, आयरन पैराडाइज की उपस्थिति एक गलत, वही सही है क्योंकि यहां पर प्रश्न में पूछा है कौन सा गलत है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि, सभी साथी एक बार जरा कमेंट करके बताएं कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देश के निर्माताओं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप सब तो रेस के घोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए का सही जवाब होगा, क्या होगा ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी का जल उत्तर सही है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न आपके लिए दिख रहा होगा या ध्यान से देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है जहां से आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी अन्य सभी क्लासेज हमारी ई लर्निंग विद दुर्गेश पे एज ए गेस्ट फैकल्टी रूप में निःशुल्क चलती है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इसके साथ साथ अन्य सभी निःशुल्क क्लास लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिएगा, अगर आप जुड़े हैं उसमें से सर्च करिएगा बिना स्पेस के दुर्गेश सर, जैसे सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी सर्च करने के बाद यहाँ पे निःशुल्क आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लास की लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। अगर फेसबुक यूजर हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है, मेरी भी आईडी अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, दुर्गेश सर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर दुर्गेश अशोक जायसवाल के नाम से है, ठीक है, दुर्गेश जायसवाल है फेसबुक पेज पर। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, ये प्रतिदिन क्लास निःशुल्क चलती है एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, जिस पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी, रीट सभी की क्लासेज आपको निःशुल्क मिलती हैं। तो बताइए जल का विशुद्ध रूप क्या होता है, इसका उत्तर होगा ए, वर्षा का जल जो होता है वो विशुद्ध होता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो क्या आप लोग कल ही क्लास में तैयार रहेंगे, क्योंकि ये रसायन विज्ञान 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, फिर बायो के बाद यह सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए अगला कौन सा विषय आपको पढ़ना है। तो जल्दी से जो भी साथी हैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अगर ये सीरीज खत्म होती है फिर आप कौन सी सीरीज पढ़ना चाहेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं,
जल्दी जल्दी कमेंट जरूर करिएगा, जवाब देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। कल कितने लोग 9:30 बजे उपस्थित रहेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कल 9:30 बजे क्लास में, शिक्षक भर्ती की अगली क्लास में कितने लोग उपस्थित रहेंगे, इसका भी पार्ट टू अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने क्लास को शेयर किया है, लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि कर भला तो हो भला। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, चलिए। ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा भेज दीजिएगा, मैं आपके नोट्स को देख लूंगा, एक बार और भेज दीजिएगा। ब्रजेश जी आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बाय बाय, शेयर करिएगा। और ईश्वर करे आप लोग अगली शिक्षक भर्ती में सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने परिवार को ऊपर ले जाएं, ठीक है? बाय बाय, अब चलते हैं। आप लोग शेयर जरूर करिएगा, कहाँ से हैं कमेंट करके बताइएगा, किस जिले से हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से क्लासें लाइव चलती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर से भी कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स मुझे ही भेज दीजिएगा।